बाकी लोग आए हुए हैं, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम मैरुनिशा है और मैं दिल्ली शाहीनबाग से हूँ। शाहीनबाग में मैं दादी से जाना जाती हूँ और मैं किसान आंदोलन, सिंधु बॉर्डर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से मैं लगातार वहाँ पे किसानों के साथ लड़ चुकी हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले बोला गया है कि किसानों पे हमला हुआ है, उस वक्त मैं मौजूद थी, हम पे हमला हुए थे बीबीओ पे, और आज इस हॉल पे जो प्रोग्राम, जो समाहार जो दिए गए हैं, भारत बचाओ, तो यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं और मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है, मैं सबको मैं अपने तरफ से अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। मेरी सबसे पहले जो सवाल है, जो पॉइंट है CA NRC के ऊपर, क्या आज हम जिस मकसद, जिस लड़ाई के साथ हम लड़े हैं, क्या उसमें हमें कामयाब मिला है या नहीं? हमने जो लड़ाई शुरू किया था, यह हमारी लड़ाई थी, हमारे बच्चों पे जब हमला हुआ था जेएनयू में, जामिया में, जब ये बच्चे जब इस CA के ऊपर लड़ना चाहा, जब ये आवाज को उठाना चाहा, तो उनको दबाने की कोशिश किया है, किस तरीके से हमला हुआ है वो आप सबों को मालूम है कि हॉस्टल के अंदर घुस के हमारे बच्चों पे हमला हुआ है। दिल्ली में जितने भी हॉस्टल में बाहर से आए हुए बच्चों पे हमला हुआ है, उसके बाद ही हम सड़कों पे निकले हैं, हम माए कि हमें ये जरूरी है। और इस CA के ऊपर सबसे पहले आसाम से शुरू हुआ था, तब हमें लग रहा था कि ये दिल्ली तक नहीं आएंगे, लेकिन ये दिल्ली नहीं, पूरे भारत में होना है। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलितों का भी है, आदिवासी है, इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए है। मेरे ख्याल से जो अमीर है, जो पूंजीपति है, वो पूंजीपतियों को लेकर हमारे मोदी सरकार एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। अगर हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है, तो उसमें से मुझे लगते हैं कि आधे, उसमें से आधे लोगों को ये भारत की अधिकार छीन लेंगे। इसमें मैं भी हूँ, इसमें आप भी है, सब शामिल है। मिडिल क्लासों को ये दिखाएंगे कि हम भारतीय नहीं है, हम रिफ्यूजी है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, सिर्फ हम महिलाएं थे, इसमें पुरुष नहीं आए थे, लेकिन आज इस हॉल में मैं देखती हूँ कि पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। क्यों महिलाएं आज यहाँ पे कम क्यों है? तो मुझे उन पुरुष, उन साथियों से कहना है, क्या इसके लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए? क्या ये दोबारा नहीं आएगा? लेकिन ये होगा 2024 में। अभी भी मेन जो वोटिंग है, जो बैंक वोटिंग है, वो 2024 में होना है। उसमें आप सबकी, हर घर में एक से एक नागरिक को वोटिंग से आउट किए दिए जाएंगे और ये आप ही के घर के दरवाजे के आगे आएंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत? क्योंकि अगर हम वोट बैंक है, हम लोकतंत्र है और हमारे से चुने जाते हैं नेता, तो मोदी सरकार चाहेंगे कि हम इसमें से आउट हो और जो जिनको वोट देने के अधिकार है वो होंगे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट नौकर, प्राइवेट, हम सरकारी खाते से भी जाएंगे। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि सरकार सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी घर देना पड़ेगा, सरकारी पेंशन देना पड़ेगा, ये इनका बहुत बड़ा मसला है। मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, तो जुमला है,
ये हमें रास्ते से भटका रहे हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूँ मुसलमानों को इतना आसान नहीं है मिटाने को। अगर इस देश में मुगलों ने राज किया है तो हमें भी अधिकार है इस जमीन में हमें अपने लड़ने का, और हम इसमें ताकत रखते हैं। मुसलमान कोई कमजोर नहीं है। वो मोदी का बस एक जुमला है आप लोगों को इस रास्ते से भटकाने की। तो मैं कहता हूँ आप लोग सीए के ऊपर गर्व करें, और इसके लिए हमें इस 2024 से पहले हमें लड़ना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसान आंदोलन में जैसे हमने 3 काले कानून वापस लिए हैं, तो इसको भी हमें लेने के लिए हमें 1 साल 6 महीना इसी रोड पे, इसी जमीन पे बैठ के हमें सीओ को बिल को वापस करवाना है, तभी मुमकिन होगा। क्या आप इसके लिए राजी है या नहीं? राजी है, क्योंकि इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस से हमें आजादी नहीं मिलेंगे। हमने 2 दिन यहाँ पे करके सिर्फ अपने व्यक्त जाहिर कर रहे हैं, इसमें आजादी नहीं मिलते। आजादी के लिए हमें कुर्बानियां देनी है और हमें गोली भी खानी है। हमें आतंकवादी बोल रहा है, हमें खालिस्तान मांग रहा है, हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने हाथ लेते रहेंगे। अगर हम आतंकवादी है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मोदी सरकार, ये RLS। तो हमें अपने आने वाले नस्लों को बचाने के लिए हमें आगे होना आना पड़ेगा, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, सबको आना पड़ेगा, ब्राह्मण को छोड़ के। मेरा किसान आंदोलन से भी कहना है, सिर्फ हमने 3 काले कानून वापस लिए हैं, लेकिन हमारे अभी भी 11 मांगे हैं, जिसमें है MSP। वो MSP हमें कब मिलेंगे? किसानों को फसलों की सही खरीदारी कब मिलेंगे? आज 70 साल हो गए, कांग्रेस ने भी राज किया, उसके बाद BJP आए, अब आम आदमी है, तो हमें इस किसानों की MSP का कब मिलेंगे? अगर हम कहते हैं हमारे देश तरक्की कर रहे हैं, किस बात से तरक्की कर रहे हैं? गुंडागर्दी, आतंकवादी, भ्रष्टाचार, इन चीजों को हमें सिस्टम को बदलने के लिए हम महिलाओं को आगे आना चाहिए, तभी हम अपने नस्लों को सही रास्ता दिखा पाएंगे। जैसे 1947 में हमारे महिलाओं ने ज्यादा हिस्सा लिया है, फिर आज क्यों महिला आगे नहीं आना चाहते? आज महिला अपने घर, अपने सोने, अपने कपड़े को चुनते हैं। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा हमें चुनना है हमारे बच्चों की भविष्य। अगर हमने 2024 को इस हिटलर को नहीं उतारा कुर्सी से, तो यकीनन हम बहुत बर्बादी के रास्ते को चुनेंगे। तो मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारे ये 2 दिन का जो हो रहा है कॉन्फ्रेंस, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही इससे हमें आजादी मिलेगा। हमें मिलेगी जब हम उस सेंटर संसद को जब हम घेरेंगे और वही डट कर बैठ जाएंगे, तभी हो सकता है हम 2024 में जितने भी हमारी मांगे हैं उससे हमें आजादी मिलेगी। क्या मेरे सहमत है? तो इसी के आप लोग कीजिए प्रोग्राम। इस 2-3 से प्रोग्राम से हमें कुछ नहीं हासिल होगा। अगर कहते हैं कि हमारे नौजवानों के पास वक्त नहीं है, पढ़ाई है, कॉलेज है, स्कूल है, नौकरी है, तो मैं कहता हूँ हर घर में एक रिटायरमेंट जरूर है, मेरे जैसे 70-80 साल के, उनको आगे कीजिए, वो आके वहां धरना दे। और छोटे बच्चे जो 5 साल हो, 3 साल हो, उसका भी अधिकार है अपने हाथ के लिए। इसलिए हम यही तक समाप्त करते हैं। आप लोग इस पे गौर कीजिएगा, जितने भी रिटायरमेंट है वो घर से निकले और अपने आजादी के लिए लड़े, और हमारे नौजवान हमारे पीछे सपोर्ट करे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, भीमराव, जिंदाबाद।